बारे में कुछ बताइए। अभी हम भानगढ़ के किले में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक पुरातत्व विशेषज्ञ जो कि इसकी एक एक बारीकी से हमें रूबरू कराएंगे। तो इसके पीछे जो कहानी है भानगढ़ के किले की, वो बताने के लिए हमारे पास आ चुके हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सैनी। देवेंद्र सैनी। और हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ अमित जी। अमित जी, आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये जो है ये उजड़ा कैसे था, जो महल था बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो सबसे पहले देवेंद्र जी, हम शुरुआत करते हैं महल के छोटे से हिस्से, आप इसके बारे में बताना शुरू कीजिए। ये किस चीज की है? ये पहले क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड रहते थे जगह जगह। देखो, एक हुआ है वो ये है, इस कॉर्नर पे भी है, तीन चार जगह। जैसे सिक्योरिटी गार्ड रानी रत्नावती के जब पर्सनल हवा थी, तो देखो यार, जब भी कोई भी नौकरी करते हैं, जब भी कोई भी गार्ड, तो वो रेली बोला जाते हैं। आप देखो वो रहे। अच्छा, जो पहाड़ियों में सब जो दिख रहे, क्या वाकई में इसमें बस्तियां बसी हुई थी? शिला ने अच्छी कमाल किया गया था। हाँ। तो जबरदस्त, आप देखो डूंगर के अंदर मकान दिख रहा है, मकान दिख रहा है बिल्कुल इस साइड में देखो। अच्छा, उसके नीचे क्या है कि ऐसे शिला ने दी ना, इस समय ही डूंगरी ऐसे ढहल गया। आप देखो इसके अंदर सामने सट है, देखो कितने मकानों की अंदर ही दब रहे हैं। अभी गवर्नमेंट वाले तो निकाले हैं, दो चार मकान निकाले हुए, लेकिन इस पूरा अंदर अंदर मकान, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ है इसके नीचे भी मकान दबे हुए हैं, बहुत मकान है इसके अंदर। पूरी घनी बस्तियां बसी हुई थी जो धीरे धीरे अभी दबने लगे हैं। मान्यता है कि 9 किलोमीटर के दूर का जो एरिया है, वो शिला के गिरने से सारा जो है तहस नहस हो गया है। आप देख सकते हैं जो ऊपर एक, आप ये जो छोटा सा, आपको मैं फोकस करके दिखाऊं, छोटा सा किला दिख रहा है, ये जो छोटी सी आपको बावरी दिख रही है, यहाँ पर तांत्रिक रहा करता था। कहना है कि जब शिला गिरी तब वो वहीं था। हम आपको शिला भी दिखाएंगे और पहले आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ये चीज हुई कैसे और इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो हमारे पास अभी एक्सपर्ट आ चुके हैं, ये तब से हैं जब से ये किला बना है, इनके जो है पूर्वज उस समय से यहाँ पर जो है इसकी रखवाली कर रहे हैं। चलिए, रानी रत्नावती की वजह से हुआ था। जब ये है कि रानी रत्नावती जी बताइए, रानी रत्नावती ये चाहती थी कि भाई बहुत अच्छा रहे, वो सब कुछ बढ़िया रहे जी। लेकिन तांत्रिक ने क्या किया है कि ऑटोमेटिक उसने तेल को मतरने से, रानी रत्नावती वो ऐसे समझे कि भाई ये तेल क्यों ऑटोमेटिक। जी जी, मैं आपको विराम देना चाहूंगा, ये कहना चाहते हैं कि जो तांत्रिक है उसकी बुरी नजर थी रानी रत्नावती पर, वो चाहते थे उनके साथ संबंध बनाना, लेकिन किसी कारणवश रत्नावती को इस बात की भनक लग गई और वो जो है बहुत ही चतुर थी और उनको उनके साथ संबंध नहीं बनाने थे। तो इसलिए जो है उसके पीछे कहानी है, वो उसकी जो है पड़ताल हम करेंगे। बताइए क्या कहानी थी? जैसे कौन सी बताई जी, रानी रत्नावती की जो तांत्रिक जो उसके पीछे पड़े हुए थे, वो ऐसे शराब दिया गया था जैसे शिला यहाँ से डाले थे तेल पे जी, तो वो शिला ऑटोमेटिक तांत्रिक के पास जाके गिर गई। जैसे हम गाड़ी में बैठा था तांत्रिक, तो हम गाड़ी बैठते ही शिला गिरी, तो एक रात वो ऐसे बोल के गया है, जैसे पढ़ते पढ़ते ही दम पे बोल के गया, दो सांसों पे बोल के गया था कि भाई यहाँ बांध कर 2 घंटे के, वो एक रात के अंदर जुड़ हो जाएगा, जब कोई भगने वाला है जो भग जाओ। ये है इसकी जैसे वहाँ का, तो बिल्कुल साफ। तो आप बता सकते हैं तांत्रिक का क्या नाम था? राजी, तांत्रिक का कोई नाम? तांत्रिक का सिंधा सेवड़ा बोला जाते हैं, सिंधा सेवड़ा ऐसे तांत्रिक बोले जाते हैं, नाम सिंधा सेवड़ा बोले जाते हैं। अब तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा तांत्रिक का नाम, लेकिन हम आपको आज एक्सक्लूसिवली हमारे इस चैनल पर बता रहे हैं कि उनका नाम क्या था। सिंधा सेवड़ा। सिंधा सेवड़ा जी, बहुत ही प्यारा नाम। वो कुंड दिखाते हैं आपको, वो कुंड दिखाते हैं जहाँ पर कि क्या हुआ करता था रानी रत्नावती पर्सनल नहाने धोने की। जी देखिए, अपने साथ श्रृंगार के लिए रानी रत्नावती कहाँ जाती थी, उस वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं। ओह माय गॉडनेस, ये है रानी रत्नावती की पर्सनल गुफा। जी तो तांत्रिक की गुफा भी है।